तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मैंने बोला ना। कौन है वहां पे, किस पे चला रही हो तुम? चल के देखना, पूछ रही है। देख तू साफ साफ बता, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम तेरी हेल्प करेंगे ना। हाँ यार बोल। यार मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं हूँ, वो तो बस मेरा एक फ्रेंड था, कह रहा था पार्टी दे, तुम लोग तो जानती हो ना ऐसे होते हैं फ्रेंड्स यार। पक्का ना? हाँ यार, अब तुम लोगों को तो पता ही है कि पापा कितनी मुश्किलों से शादी कर रहे हैं लड़के वालों का स्टैंडर्ड मैच करने के लिए। अब मैं कहाँ पढ़ूं इन पार्टी वार्टी के चक्करों में, छोड़ो यार। वैसे पार्टी तो हमारी होनी है टंकी के पीछे। हाँ हाँ, वैसे भी मेहंदी वगैरह तो सब डन हो ही चुकी है, तो अब बस चेंज होके चलते हैं छत पे। डन, पर याद से चुपके से जाना, ओके? हाँ हाँ, चल चल चेंज होता है। कहाँ रह गई ये लोग, मरवाएंगे मुझे। अब चलिए। हो गया जुगाड़, गाड़ गया कजन। रुको, मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। ये हमारी खानदान की सबसे ज्यादा चुगल खोर है। अरे बुआ जी ना, तुझे अभी ढूंढ रही थी, पता नहीं कितनी देर से देखा मैंने और चिल्लाए जल्दी तेरा नाम, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हुई, तो जा जाके देखना क्या हुआ। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा, नहीं ढूंढ रहे बुआ जी, मुझे आप लोगों के साथ जाना है। ओए, हम ना तुझे नहीं ले जा रहे, जो करना है कर ले। अरे यार जी तो, ओह शिट, अब ये क्यों बुला रही है भैया? आने में कोई तकलीफ नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे इतना सब लाने की क्या जरूरत है? अरे दीदी ये तो सगन होता है। जीतू, अरे जीतू, चलो चलो चलो। अरे यार हमारा कब, अभी चलो ना, मम्मी बुला रही है। यहाँ रख दे, चलो। क्या गड़बड़ हो गई? पता नहीं ये लड़कियां कहाँ चली गई हैं। अरे नमस्ते मामा जी, गोलू नहीं आया? वो आ रही, पीछे आ रही। देख मामा जी भात लेके आए हैं और तेरे लिए चूड़ा भी लेके आया है। मेरे लिए है? हमारे में तो चूड़ा पहनते ही नहीं है, हरी और लाल चूड़ी पहनते हैं बस। आई नो मामा जी, आप ये सब मेरे लिए लेके आए हो, मुझे ना बचपन से ही चूड़ा पहनने का बहुत शौक था। चलो अब लगे हाथ रसम भी कर ही लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। नहीं मम्मी सुबह करते हैं ना, अभी क्या इतनी जल्दी। अरे सुबह और भी फंक्शन करने होंगे ना, हल्दी करनी होगी, चाक पूजना होगा, अभी कर लेते हैं। लो जी गया एक घंटा इन मैडम जी को चूड़ा चढ़ाने में। हाँ चलो कर लेते हैं मम्मी। चलिए मामा जी, चलो बैठो। हाँ। अरे सपना सलाम दे क्या? चलो रस्म शुरू करते हैं। आंखें बंद कर अपनी, लड़कियां चूड़ा नहीं देखती। अरे मम्मी देखने दो ना, हमारी तरफ तो वैसे भी रसम नहीं होता, थोड़ा सा देख लूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। बड़ी जिद्दी है लड़की। हाँ। पहले पहना नहीं दे, बाद में देख लियो। मैं बांधू आंटी जी? हाँ रुमाल बांध दे। टाइट तो नहीं हो रहा ना? मामी जी रसम पूरी हो गई तो हम लोग जाएं? अरे नहीं नहीं, चूड़ा पहनने के बाद बाहर नहीं जाते। मम्मी रसम तो हो ही गई है ना, हम चलते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा सुन, ये रख अपने पास और सड़क पे बिल्कुल नहीं जाना। भैया हाँ? भैया क्या खाओगे? गला बैठ गया तुम्हारा, चाय मंगवा लो। हाँ, हाँ। अरे चाय लेके आना भैया के लिए।
बता ये प्राइवेट नंबर है कौन? हाँ अब भी क्या भी बता, वरना मैं जा रही हूँ और तेरी शादी भी नहीं अटेंड करने वाली हूँ, सच बोल रही हूँ तेरी कसम। जल्दी बोल कौन है ये प्राइवेट नंबर? कल मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि मैं रवि से कैसे मिली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तेरी शादी हो किससे रही है, रवि से या द्रव्य से? बताती हूँ वेट, फर्स्ट टाइम मैंने रवि को नोटिस किया जब मैं गिरी थी ना, तो वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। और तो और उसने मेरे मम्मी पापा के सामने मुझ पे गुस्सा किया और चिल्लाया भी। अगर आज के बाद मेरी बात नहीं मानी ना, नहीं तो क्या, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा बहुत हो रहा है। चुप। बट एक बार तो हद ही हो गई, मैं और रवि अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में गए। रवि आराम से रहो ना, इतनी ज्यादा पी रही है तुम, शांत रहो, रखो वाटर। उसने मुझे बहुत तेज धक्का दिया, टेबल पे मेरा सर तो बस लगने ही वाला था, तभी रवि के फ्रेंड रवि ने मुझे बचाया। जीतू मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, इट्स फाइन, मैं चली जाऊंगी। अरे मेरा घर भी उसी साइड है। द्रव्य ने मुझे बचाया और उसने मुझे घर भी छोड़ा। बस तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस रवि से शादी नहीं करूंगी। अरे तो तूने बिल्कुल अच्छा किया कि उसको छोड़ दिया, अब जो इंसान तुम्हारी इज्जत ना करे उससे शादी करके क्या फायदा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू जीतू। रवि तो मेरे मम्मी पापा के सामने आके बहुत हाथ पैर जोड़ रहा था। जीतू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, माफ कर दो आंटी जी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। पर उसी दौरान मैं और द्रव्य क्लोज आ गए और कुछ ऐसे ही मेरा और द्रव्य का रिश्ता जुड़ा। ओहो तो ऐसे मिले हमारे द्रव्य जीजू। हाँ मैंने ढूंढ लिया आप लोगों को। हाँ ये आप लोग क्या कर रहे हो, पकड़ो इसे जल्दी जा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप लोग कभी मुझे अपने साथ इंक्लूड ही नहीं करते। अच्छा सुन, हम तुझे अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, पर तू चुगलखोरों की तरह चुगली तो नहीं करेगी ना? पक्का वाला प्रॉमिस नहीं करूंगी। चल ठीक है आ जा फिर। लेकिन जीतू ये तो समझ आ गया कि आपने रवि से शादी तोड़ दी थी और द्रव्य अब हमारे जीजू है। इसका मतलब तो छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी। हाँ हाँ सुन रही थी, पर मैंने किसी को नहीं बोला। चल ठीक है जाने दे। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि अब आपका तो रिश्ता टूट गया है तो वो आपको कॉल क्यों कर रहा है, परेशान क्यों कर रहा है, ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? यार वो सब छोड़ो, अपना मम्मी की नजरों से बहुत टाइम से दूर है तो उन्हें शक हो जाएगा। एक काम करो तुम लोग रूम में चलो, मैं सब कुछ बाद में बताती हूँ। चलो ठीक है। क्या लगता है कि ये जो रवि है वो आपकी जीतू दीदी को इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर देना। तो बस फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।